Hello guys, welcome to the stream. So how are all of you, how are you guys? And a big welcome to all of you. And along with that, very happy birthday to Shubhandi. So yaar, aaj ki jo cheeze hai, hopefully aapko pata hi hoga ki aaj aapko kya karna hai. तो यार फटाफट ज्वाइन कर जाओ और फटाफट से फटाफट बैठ जाओ और मारो पकड़ के जितना मार पाए मारो. एंड होपफुली आप सभी को पता है कि आप सभी की स्लॉट लिस्ट वगैरह जो भी है वो सब क्या है एंड चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ेंगी. ये सब चीज़ें होपफुली आप सभी को पता है एंड मज़ा आने वाला है. देखते हैं कि आज कौन मारता है शुभंदी को. तो ये बर्थडे स्पेशल है उनके लिए. तो ये काफी बढ़िया चीज़ें देखते हैं. मेरे को पर्सनली दिल करे कि मैं भी उतरूँ, मैं भी थोड़ा एक अपना मतलब हाथ जमा ही लूँ, एक हाथ मार के देख ही लूँ कि होगा कि नहीं. तो एनीवेज इस चीज़ का सही मौका आप सभी के पास है. तो यार बिल्कुल भी छोड़ना नहीं इस मौके को. मीनवाइल कुछ लोग इधर जरूर आ चुके हैं. देखते कि हमारे शुभेंदु भाई इधर आए हैं कि नहीं. ओके देख लेते हैं एक बार वो आया है कि नहीं. एनीवेज ओप्स एचपीपी आई गेस मोस्ट प्रोबेबली आई डोंट थिंक सो कि वे इधर आए हैं. एनीवेज तो यार आज काफी इंटरेस्टिंग डे भी है. तो होपफुली वी विल बी सीइंग समथिंग वेरी वेरी कूल टुडे. मीनवाइल यार मैं काम करता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम तो लगेगा प्लेयर्स को आने के लिए. तो तब तक आप सभी के लिए एक छोटी सी गाने की पेशकश मैं इधर डाल देता हूँ ताकि आप मीनवाइल थोड़ा सा एंजॉय भी करें साथ ही साथ सभी के सभी प्लेस इधर आ भी जाएं. और किसी भी टाइम पे अगर आपको लगेगा कि यार द सॉन्ग इज नॉट दैट गुड ऐसा कुछ, या फिर आपको लग रहा है कि आपको मेरी बातें सुननी है, तो यार ऑफकोर्स आई विल बी देयर. मीनवाइल थोड़ा वेट कर लेंगे. फटाफट जैसे ही सभी आ जाते हैं थोड़ी सी यू नो फन फिर इधर शुरू हो जाएगा. एंड देखते हैं कि आज कौन मार पाता है शुभेंदु जी को. मजा आएगा. मीनवाइल यार आप सभी कौन सी टीम से हो ये भी मेरे को जरूर बताना. काफी दिनों बाद मैं इधर स्ट्रीम कर रहा हूँ फॉर एनी ऑफ दी फॉर एनी स्पेसिफिक यू नो ये नॉर्थ ईस्ट के किसी भी पर्टिकुलर क्लैन के लिए या फिर एक किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के. तो देखते हैं कैसा जाता है. okay, मैं फिलहाल आपके लिए on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And forget it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in it. Damn man, I'm all that, yeah I'm all that. Working for that whip, yeah that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall. Tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Yeah. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo. Everybody wanna do the same thing. Yup, that's why we ain't on the same page. Yo. Do my own thing and I maintain. Woo. Blow.
हॉग गेमिंग क्या स्ट्रीम कर रहे हो ब्रो? आज शुभेंदु जी का बर्थडे है एंड स्ट्रीम पे काफी लोग खेलेंगे। जो पहला मतलब जो फर्स्ट टीम होगी उसको मिलेंगे 500 रुपीज कैश प्राइस एंड जो सेकेंड टीम होगा जो जीतेगा उसको मिलेंगे सेकेंड 200 रुपीज एंड जो बर्थडे बॉय को मारेगा दैट इज ब्लैक एक्स शुभेंदु। शायद से वो आ चुके हैं या फिर शायद से नहीं, वो नहीं आए। मोस्ट प्रोबेबली एशियन के साथ ही खेलेंगे वो। जो उनको मारेगा जिनका पर्टिकुलरली आज बर्थडे है तो उसको मिलेंगे स्पेसिफिकली नहीं, आया नहीं है, उसको मिलेंगे स्पेसिफिकली 100 रुपए। ओके सो दिस इज द स्ट्रीम फॉर टुडे। अगर कोई भी आया है आई मीन टू से किसी को भी अगर आई मीन टू से मतलब किसी को भी कोई भी ये चीज कर पाएगा तो उसके लिए काफी मजा है। ओपन ओपन रूम है? नहीं ओपन रूम तो नहीं है, ओपन रूम नहीं है। ये सारे मतलब एक प्रॉपर टीम लिस्ट है जिसमें काफी सारे प्लेयर्स हैं। ओपन रूम नहीं है, आई मीन टू से टीम है, प्रॉपर टीम्स हैं चीज के लिए। तो ये है फिलहाल तक। इन एनी केस 2 मिनट में और रुक लेता हूँ। 2 मिनट के लिए आप नहीं छोड़ो, अभी गाना सुनने की जरूरत नहीं, हम थोड़ा चिट चैट ही कर लेते हैं। मीनवाइल यार सभी जो भी देख रहे हो सभी की तरफ से मैं आप सभी को स्पैम करना चाहूंगा कि यार स्पैम कर दीजिए चैट में, अब बैग हैप्पी बर्थडे टू शुभेंदु, अब वेरी वेरी वार्म 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 वेलकम एंड वेरी 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 हैप्पी बर्थडे टू शुभेंदु। एंड आई रियली होप कि आप सभी को आज मजा आएगा एंड आप सभी कस्टम्स को काफी दिल दिल से एंजॉय करेंगे। आई रियली होप दैट। एंड इस बर्थडे बॉय को तो यार पकड़ पकड़ के देना आज, इस बर्थडे बॉय को पकड़ पकड़ के पी पेलना है आपको, ठीक है? आज बर्थडे बॉय को एकदम छोड़ना नहीं है, मतलब जहां भी दिख जाएगा मतलब बम ग्रेनेड जूता चप्पल जो मिलेगा वही फेंक के इसको मारना है, मतलब मारना ही मारना है। प्लीज शुपेंदी टीनी टिल, टीनी टिल, ओके छुपंदी टीनी टिल। होपफुली यार दिस इज नॉट अ स्लैंग 19, दिस इज नॉट अ स्लैंग राइट? इट्स गुड राइट? छुपंदी टीनी टिल। बाय द वे ओके द गर्ल्स लाइन ऑफ ब्लैक इज हियर एंड इफ यू गाइस थिंक दैट ही इज हियर छुपंदी तो प्लीज डू इन्फॉर्म मी अबाउट दैट यार, आई एक्चुअली डोंट नो ही इज हियर और नॉट। इस बंदे को मैं जानता हूँ भाई, और ये क्या फोटो लगा के रखा है, इस बंदे को मैं जानता हूँ, ये लड़कियों का फोटो लगा के रखा है, मतलब क्या ही बोलेंगे। किम जोंग सरदार आईडी पासवर्ड विजिबल। हाँ आई नो, इट्स फाइन इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। ओके तो आ चुके हमारे शिपेंद्र जी। तो गाइस एवरीबडी हु इज प्लेइंग एंड वॉचिंग द स्ट्रीम राइट नाउ, दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक बाय द वे, मैं भी ऐसा करूंगा। इन एनी केस जो भी देख रहा है करेंटली कस्टम्स को एंड बाय द वे गाइस कस्टम्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को एंड शेयर भी कर देना थोड़ी सी यार सभी को, मतलब हैप्पी बर्थडे भी बोल देना शुभेंदु भैया जी को एंड सभी को कहना कि जो भी आ रहा है ये चैट में जरूर स्पैम कर दे। मीन वाले यार जो भी खेल रहा है याद रखना कि इस बंदे को आपको मारना है एंड मारने से मिलेंगे कैश प्राइजेस एंड भी बहुत कुछ। तो इस बंदे को मारना है याद रखना गाइस, दिस इज आर गाय, दिस इज आर गाय। पीएमसीओ का स्टिकर लगा के आए हैं वो, पीएमसी पीएमसीओ का स्टिकर लगा के आए हैं। ओके सो अच्छा सिपेंदी अकेले रहने वाला है क्या? एक सेकंड पूछ लेता हूँ। एक सेकंड गाइस मैं पूछ लेता हूँ, विल ही स्टे अलोन? वही वही एग्जैक्टली दे आर सेइंग मी टू स्टार्ट बट आई थिंक सो ही नीड्स टू, ओ माय गॉड ही विल रियली। ओके सो गाइस गेम हैज स्टार्टेड, सो गेम हैज स्टार्टेड, लेट्स सी सरदार मेक मी मॉड, फक यू हो फक यू। ओ बाय द वे यू वर मॉड वन टाइम है ना, लॉन्ग टाइम बैक यू वर मॉड, एनीवेज आई विल मेक यू डोंट वरी। मेमल गाइस जो भी स्ट्रीम को देख रहे हो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। स्लॉट 19 कार्टून ओके वी विल सी देम फॉर श्योर।
ओह माय गॉड. ओके ओके सो आई डोंट नो शिपेंदु अकेले क्यों उतरे हैं, बट आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई. बट एनीवेज इट विल बी फन, इट विल बी फन टू सी दिस गाय डाई. मीनवाइल गाइस आई रियली रियली वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू शिपेंदु एंड अ बिग 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 हैप्पी बर्थडे टू शिपेंदु. एंड आई रियली होप कि आप सभी को मतलब ऑल ऑफ यू विल हैव ग्रेट फन प्लेइंग हियर एंड ऑल ऑफ यू विल किल दिस गाय इन पर्टिकुलर. So if you guys want any kind of help, sleeve sniping and all those things, don't come near me. I will not help you. I will not at all help you. Okay, meanwhile, okay, all the players are ready. 70 people are here. Okay, and okay, let's get to the plane path ASAP. So if I just talk about the plane path, it's going from the top of Georgia Pool, then it's following the path of Runes. Pochinki and from on the top of military base. The plane path is really quite decent. All the players can actually go anywhere they want. So for the sake of Shipundu, he's having his birthday today. So I will not gonna reveal where he is landing. Okay guys, I will not gonna reveal where he will gonna land today. Meanwhile, yeah, Mr. Babes, Can Sita and Yuhai, welcome to the stream. Welcome to the stream. Guys, I will help you. No one will help anyone. No. I will not let anyone stream snipe him. He is birthday boy today. No one killing him. I will totally support him. Meanwhile, the girls lineup of Black, they are probably going towards Rozok, or maybe they can take a vehicle and they can move towards Yashnaya. So let's see. Team 19, Cartoon, big fan. Okay, I will land Shenox. Okay bro, I will spectate you then sir. Okay, I see you sprays in Senox and I will see you killing snakes in Senox. Meanwhile, if I just talk about some other team number 19, that is Cartoon, they have landed on Pochinki and they will not gonna have anyone near them, so this is quite good for this particular team. Meanwhile, let's just talk about some other players. Team number 16, I'm not sure about the team name in particular, but they are pretty good, in a very good position. We will just talk about a fight have been initiated most probably here, and okay, they are not fighting, somewhere else the fighting is happening. Okay, the fight is actually happening here between team 4MD and between team number 3. So some good fighting will be coming up here, and these two teams will gonna do their best to get some kills. Meanwhile, Black Window have actually got a decent one kill here, and three teams are here. And Shipan is in a very bad position. Oh my god, he's really in a very bad situation where starting of the game he is alone and there are two teams near him. Hopefully team number 4 will gonna help him a little bit. Let's see. Shout out, sir. Okay, a big shout out to you, Hi. Only if I'll give a shout out if he lands in Shenok and if he gets to get one kill. Meanwhile, jo bhi all mic on karke, please off. Oh, Shipundu will gonna get one kill and he will gonna get one kill. It was really very, very lucky for Murki Chor that he might get that kill, but unfortunately, right. Ek aur kill Shipundu ke liye. Shupandu ne kar hi liya tha. He was really very close, but unfortunately, he was really very close. XO. He will gonna get XO rupees. Okay. But abhi 500 and 200 cash prizes also there, so it should actually wait for the remaining cash prize. Meanwhile, very nice, and that was a really OP gameplay for coming up from Shipendu. Meanwhile, a big shout out to Shipendu and very, very, very happy birthday to Shipendu. So guys, hashtag OP in the chat for Shipendu, ye to banta hai, just because he did a very fantastic job. He has almost done 1v3, he had almost completed that. So, hashtag OP Shipendu in the chat, that is must. Meanwhile, I'll go to slot 19, don't worry my friend, but just give me a minute because a good and active fight is coming up here. Slot 19, they're not having any active fights. Meanwhile, let's just talk about team number 3 and team number 4. Both the teams are quite close and team number 3 is actively rushing on team number 4 right now. So let's see what will happen. Some pretty good nades are coming up from team number 3 on team number 4, and rushing is also quite fantastic. They have probably spotted one of the players. Yeah, Reckless has seen one of the players. And he will gonna get a decent kill, which comes to Bihari, and Bihari will gonna take
He will gonna be taken down as well. Supandi is mine. Supandi is dead, unfortunately, guys. Supandi is unfortunately dead, and he did really fantastic job killing three of the members. That was really awesome job. Meanwhile, we'll just talk about team number 24 and team number 2, where one of the players of Team Black, I'm going to say one of the lineups of Team Black is here, along with a few of the members of Team 24 is also here, fighting quite well, and they're exceeding few bullets, few guns, but nothing is coming up. Yep, Miss Baby, yo yo, for MDQ test, yo, welcome to the stream, guys, welcome to the stream. Meanwhile, okay, players are actually in a very good position, but nothing is coming up yet. A good fight is also happening somewhere else, so let's see what will happen. Supendi stream sniped. Yes, but Supendi, he really did very, very well. He really did very well. Meanwhile, Cookie Girl and Tunisi, they are just holding up here. They're just waiting for a perfect opportunity to strike back. And Demo 24, they have pushed on them. Knock didn't came. But Cookie Girl will get two kills quite easily with her shotgun. Awesome coming up, awesome gameplay coming up from Cookie Girl, and she might kind of get that last kill too. That was really close, but unfortunately she will not gonna get that kill, but she will gonna get killed instead. Meanwhile, which means Team Black will gonna left with two players, that is Gaga and Yagami, along with Team 24, they will also remain with two players. So let's see what will happen. I don't know what is happening here. Hawk, please translation to Tuhina, please translation. Meanwhile, a lot of players wanted to see team number 19, so let's see. Team number 19, they're just here, and I'm really sorry, guys. Apparently, they are not taking any fight right now, so we're gonna see them for sure, but we'll just have to wait for a little longer. And meanwhile, if I just talk about their loots, they are having a pretty decent loot right now, so we will surely gonna see them, but let's just wait for a little while and we will see this team in action for sure. Let's move on to Lipoka. Tata bye bye Supendi. Exactly, yeah. Tata bye bye. Okay, Supendi. Yeah, but it's really bad, guys. None of you hashtagged Supendi OP in the chat, or none of you even said happy birthday Supendi. Only two or three people have said happy birthday Supendi. Rest of the members, none of you said happy birthday Supendi. That is really bad, guys. That is really bad. Very bad. None of you even said hashtag OP Supendi, because he almost did 1v3. The last guy, he almost killed. That guy was 2 HP literally. So that was a really good gameplay coming up from him, but none of you guys appreciated that. That is really bad. Black Rover bro, you also didn't appreciate it. That is very bad, bro. Meanwhile, yeah, again, I must give a little shout out to Shipendu, and a happy birthday to Shipendu as well. A big shout out to him, and a big happy birthday to him once again. Meanwhile, Binod. No, Binod, he will not gonna survive this one. He will be getting knocked, and he'll be getting knocked quite nicely. Meanwhile, if I just talk about Team Badass, they have successfully killed a few of the members of the remaining two members of Team Black, Regal's lineup probably, and they will gonna get focus quite nicely. Black Botcher, happy birthday to Are. Nice. Giorgio ka fight dikha. Giorgio mein koi fight filal waisa ho nahi raha hai, but fight ke liye acha. I think my military base ki taraf, if I just see about military base, okay, they are chilling and they have some decent loot with them, and things are looking pretty good for now. Let's move somewhere where we can possibly see a fight. Okay, let's just see this drop particularly before that. So we will gonna see our arm gameplay, Groza gameplay with, and this team will gonna get level 3 and best as well. So this will gonna be pretty OP dopey thing for them. Really, really nice. Meanwhile, let's just move somewhere where we can actually see some possible fights. OP commentary, Black Bro. Thank you very much, Black Bro. Hello, bhai, long time. Arey Kim Jong Lung, welcome to the stream, bro. Welcome. Okay, anyways, let's just move on. This particular team, by team number 12 and team number 9, they are pretty close, but most probably these teams will not gonna take a fight anytime soon. They will have to wait for a little longer. Team number 12. Okay, let's see. Adi Tunicha, welcome to the stream. Happy Born Day. that is something different. That's quite nice. Meanwhile, team number 9 and team number 12, they are playing little passively right now, so most probably they will not gonna take up any fight right now. Let's see another drop coming up, and
What? Oh my god, players are getting a lot of players right now. And they will have M24 level 3 helmet vest and that laptop bag as well. So they're gonna have some decent loot with them too. Meanwhile, if I just talk about team number 19, they are moving and they are giving a little bit of rotations, but nothing will come up yet. Meanwhile, guys, if you guys are new to the channel, do not forget to like, do not forget to share, do not forget to subscribe, and do follow Shupendu in his Instagram channel. The link is in the description. You can also follow me as well. Anyways, okay, boy, welcome to the stream. And care e-shot too. Welcome to the stream, Kelier. Sloth 19, bro. I am spectating. Sloth 2 is down, my friend. Oh, Sloth 2 is not here. Sloth 2 is killed. In any case, team number 24, they are having this particular team is only killed slot number. In any case, team number 24, they are pretty close to team number 21. Okay, where Chinga Pau, he is the only solo survivor. Bro, Hindi, bro. Okay, अगर आप हिंदी में कमेंट्री चाहते हो तो वो मेरे लिए और बढ़िया, बट यू नो पहले मैं कास्टिंग किया करता था इंग्लिश और हिंदी दोनों में, सो सभी को एकदम प्रॉपरली समझ में आता था, इसलिए एनीवेज ओके. तो अगर आप सभी को हिंदी चाहिए तो ये भी बता देना, अगर आप लोगों को इंग्लिश चाहिए तो भी बता देना, आई एम कंफर्टेबल इन बोथ. इन एनी केस, अगर मैं इधर बात करूँ टीम 21 के चिंग जा पाओ की बात करें, तो इनको पता है कि इनके ठीक सामने दो प्लेयर्स आ चुके हैं. बट ये जो फाइट है ये होने में थोड़ा समय लगेगा, एंड दोनों में से कोई एक प्लेयर मतलब किसी भी एक स्क्वाड को इधर पूरी तरह से फिनिश होने में थोड़ा समय लगेगा. एंड काफ़ी बेहतरीन नीड आता हुआ टीम 24 के प्लेस की तरफ से, एंड इधर काफ़ी ज़्यादा डैमेज आ भी है चिंगा पाओ के, एंड काफ़ी अग्रेसिवली रश करते हो टीम 24 के प्लेस. देखते हैं कि चिंगा पाओ इधर कुछ कर पाते हैं कि काफ़ी बेहतरीन तरह से इन्होंने एक फ्री नेट किया, देखते हैं क्या होता है. बट ओके नेट काफ़ी सही थी, बट देख लिया था टीम 24 के प्लेयर्स ने, एंड कुछ खास उसका कर नहीं पाएंगे. चिंगा पाओ की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी पेशेंटली एक्टिवली इधर वेट कर रहे हैं, बट देखते हैं क्या होगा. काफ़ी अच्छी तरह से एक नॉक निकालने की भरपूर तरह से कोशिश रहेगी, बट अनफॉर्चुनेटली मर जाएंगे, बस एक ही नॉक निकाल पाएंगे. वेयर इज कुकी गर्ल ब्रो, आई डोंट नो, आप देख लो एक बार पॉज करके. कुकी गर्ल, ओके कुकी गर्ल ब्लैक की जो है वो एक्चुअली मर चुके हैं. कुकी कमेंट्री करो ब्रो, कुकी कमेंट्री करो ब्रो, मतलब ओह माय गॉड, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो हमको नहीं मालूम, ये तो हमको नहीं आता है. इन एनी केस, बात करें टीम नंबर 10 एंड टीम नंबर 13 के प्लेयर्स की अगर, तो ये दोनों के दोनों जो प्लेयर्स हैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, एंड एक पॉसिबल फाइट इधर हमें देखने को मिल सकती है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये जो फाइट है ये अभी एक्टिवली चलेगी. या एक दोनों में से कोई एक टीम तो इधर जरूर निकलने वाली, ये फॉर श्योर हो गई, एंड जी हाँ वैसा हो भी रहा है. मीनवाइल बात करें इधर अगर ब्रिज की, तो ब्रिज की तरफ दो टीम्स, ओके डैनियल इधर अकेले जरूर है, एंड इनके सामने पूरी की पूरी स्क्वाड आसान नहीं रहेगा इनके लिए अपने सामने वाले प्लेयर्स को इधर मारना, देखते हैं क्या होता है. मीनवाइल गाइस, जो जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, थोड़ा सा एक छोटा सा एकदम पिचकू सा लाइक जरूर कर देना, एंड सब्सक्राइब इज ऑल्सो फ्री. तो अगर आपका हाथ अगर काफ़ी प्यारा हाथ है आपका अगर, तो आप उससे थोड़ा बहुत सब्सक्राइब बटन को लाल ग्रे कर सकते हैं. यानी कि इस बात करें इधर डैनियल की, तो डैनियल को उधर मिला हुआ है ओम, तो ओम का पटका काफ़ी पैन कर से देख सकते हैं. लेकिन टीम नंबर 14 के प्लेस को मालूम है कि उनके सामने बस एक सिंगल प्लेयर है. डैनियल को भी ये भली भांति पता है कि इनके सामने पूरी पूरी स्क्वाड है, तो इनको काफ़ी ध्यान से अपने गेम को उधर चलाना पड़ेगा. बस एक चीज मैं कहूंगा, ईएफटी के ओके इनके पास भी ऑम है, ओ माय गॉड. सो मतलब यार मुझे ऐसा लग रहा था कि डैनियल के पास थोड़ा सा अपर हैंड है, बट जी ऐसा नहीं है. दोनों के दोनों प्लेयर्स काफी इक्वली खेल रहे हैं, एंड उनके दोनों प्लेयर्स देखते हैं कि क्या करेंगे. डैनियल के पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर है, बट एक चीज मैं इधर कहना चाहूंगा, डैनियल काफी बार पीक दे रहे हैं यार, ये सही चीज नहीं है. मर भी सकते हैं डैनियल इस चीज के लिए, बट इस तरह से डैनियल इधर सर्वाइव कर रहे हैं. सुपेंदी और वर्ड ओके. यानी कि इस बात करें अगर फाइट्स की, तो दूसरे इलाकों में काफी अच्छी फाइट चल रही है. जहाँ पे फाइट की अगर मैं बात करूँ, तो फाइट हो चुकी है टीम नंबर 12 के प्लेस की टीम नंबर 9 के प्लेस के साथ, जहाँ पे टीम नंबर 9 ने अपने दो प्लेस को खो दिया. सॉसी आखिरी प्लेयर बाकी है, एंड ही विल हैव टू किल द रिमेनिंग टू मेंबर्स ऑफ टीम नंबर 12 एज सून एज पॉसिबल. बट बिफोर दैट ही विल जस्ट गोना गिव रिवाइव टू हिज टीममेट, व्हिच इज प्रीटी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, एंड ही विल डू दैट. बाकी दो मेंबर्स की तो फटाफट इनको भी अपने प्लेस को रिवाइव देना पड़ेगा, एंड ये नहीं दे रहे हैं किसी को भी रिवाइव. मीन वाले का अच्छा नेट इधर को जरूर कर रहे हैं, यही नेट कनेक्ट होगा. आ हाँ नहीं कनेक्ट होगा,
एंड यार इधर मैं सीरियसली टीम नंबर 12 के प्लेयर को इधर कहना चाहता हूँ कि चौको भाई अपने प्लेयर्स को उधर फटाफट रिवाइव दीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। स्पेक्टेट जूमी ब्रो आई एम नॉट श्योर विच स्लॉट दे आर सेटिंग ऑन ऑज योर स्क्रीन सी द स्लॉट लिस्ट एंड सेमी द स्लॉट लिस्ट मीन अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया मॉली आता हुआ ओपोनेंट की तरफ से एंड टीम नंबर 9 विल गोना गेट दैट अमेजिंग किल्स एंड काफ़ी प्यारी तरह से 3 किल्स अपने नाम दर्ज कर जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। मीनवेल यार अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आपका यूट्यूब में तो फटाफट एक रिफ्रेश बटन दबा दीजिएगा कि आपके प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिल जाए। मीनवेल इफ आई जस्ट टॉक अबाउट डैनियल ही हैज हैविंग 14 इन फ्रंट ऑफ हिम एंड द फाइट इज स्टिल कमिंग ऑन। नन ऑफ द टीम्स हैव एक्चुअली लॉस्ट एनी ऑफ द प्लेयर्स। अलग बात की डैनियल अगर इनकी टीम से मर जाता है तो और कोई इनके पास है नहीं जिनको ये खोएंगे, लेकिन कोशिश काफी अच्छी चली जा रही है डैनियल की तरफ से एंड कोशिश चली जा रही है। यार बस एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इतनी देर में टीम नंबर 14 को एकदम इजीली पता चल चुका है कि डैनियल इज ऑल अलोन, सो दे नीड टू रश हिम एज सून एज पॉसिबल, यू नीड टू रश ऑन हिम एज सून एज पॉसिबल। मीनवाइल यार स्ट्रीम में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को जरूर बताना एंड या फिर रिफ्रेश मार लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जस्ट बिकॉज यार कभी भी प्रॉब्लम्स होती हैं बट those are just temporary. Nation, happy birthday Shupendi. Absolutely, I just want to see this particular messages where a lot of people are not doing that. Meanwhile, जो कि मैं कह रहा था कि काफी सारे players को तो rush करना चाहिए इनपे and वो कर रहा भी उन्होंने but I guess थोड़ा late कर दिया. Daniel काफी चालाकी से इधर game को खेलते हुए मुर्गी चोर ओपी यार आपका नाम बहुत सही दिया आपने 100 ओ 100 रुपए जीत गए। तो यार ये फिलहाल अभी भी फाइट में एंगेज नहीं हो रहे तो इधर और भी थोड़ा समय लगेगा। मीनवाइल अगर बात करो इधर मैं फाइट की किसी एक जगह पे फाइट चल रही है, देखते हैं कि कहाँ पे वो फाइट एक्चुअली हो रहा है। स्पैम इन द चैट एग्जैक्टली यार तुनीशी एग्जैक्टली स्पैम इन द चैट गाइस हैप्पी बर्थडे टू शुपांडी। कोई भी मतलब बस गिने चुने लोग कह रहे हैं यार उसको हैप्पी बर्थडे, बाकी कोई कह ही नहीं रहा। गाइस कम ऑन हैप्पी बर्थडे शुपांडी होना ही चाहिए यार, ये तो होना ही चाहिए। मैंने कैसे बात करें कि टीएफए के प्लेस की ये लोग काफी कंफर्टेबली अगर होल्ड कर रहे हैं फाइट इनके साथ जरूर होगी बट थोड़ा समय लगेगा। बात करते हैं टीम नंबर 3 के प्लेस की अगर तो इनके आसपास भी फिलहाल तक कोई प्लेयर्स नहीं है, कोई भी टीम मेट्स इनके नहीं है और जल्दी ही इनकी फाइट होगी बट विल जस्ट हैव टू वेट फॉर अ लिटिल व्हाइल। मीनवाइल टीम नंबर 10 दे आर आउटसाइड द जोन, दे आर लूटिंग फ्यू मेंबर्स एंड देन दे विल गोना गेट इनटू द जोन एएसएपी। चलते हैं एक बार टीम नंबर 8 के प्लेस की तरफ जहाँ पे दे आर ऑल्सो इन अ वेरी गुड वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन, कोई भी प्लेयर्स इनके आसपास इनके सामने आगे पीछे नहीं है एंड फाइट इनकी होपफुली जल्दी शुरू हो एंड ये हमें एक्शन में होपफुली जल्दी ही देखने को मिले। मीनवाइल बात करते हैं डैनियल की तो डैनियल अभी किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। डैनियल की अगर मैं बात करूँ तो अभी भी ये होल्ड करे हुए हैं, अभी भी इन्होंने अपने पोजीशन को अच्छी तरह से होल्ड करके रखा हुआ है एंड इनको अभी भी टीम एक सेकेंड गाइज हम थोड़ा सा और ऊपर आ जाए। टीम नंबर 14 के प्लेयर्स ने अभी भी इनको नहीं मारा है, टीम नंबर 14 अभी भी इनको मारने में थोड़े से कामयाब रहे। फाइट होपफुली दे विल गोना फाइट प्रीटी सून बट डैनियल इज प्लेइंग वेरी पैसिवली व्हिच इज एक्चुअली हेल्पिंग हिम फाइट नाइसली। मीनवाइल टीम नंबर 14 इज टोटली फोकसिंग ऑन डैनियल राइट नाउ व्हिच इज आई डोंट थिंक सो वेरी गुड बट लेट्स सी दे विल गोना गेट 1 किल फॉर दैट सो होपफुली इट विल बी वेरी गुड। मीनवाइल गाइस इन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। मीनवाइल चलते हैं फटाफट टीम नंबर 15 के प्लेस की तरफ जहां पे ये जोन के अंदर मूव कर रहे हैं एंड जोन के अंदर मूव करने के संग संग इनको एक अच्छे कंपाउंड को इधर होल्ड करना पड़ेगा एंड इधर से अपनी फाइट को इधर आगे बढ़ा सकते हैं। आगे सारी टीम्स फटाफट अपने रोटेशन को इधर अंजाम देते हुए बात करें टीम और सैम वाइट डी की तो उनके ठीक सामने टीम नंबर 16 कुछ प्लेयर्स है जहाँ पे काफ़ी सही तरह से प्लेयर्स इधर कुछ अच्छी स्पेस देने की कोशिश किया था इन्होंने बट थोड़ा सा बैकअप कर लिया। बात करें टीम नंबर 16 के प्लेयर्स की तो काफ़ी अच्छी तरह से रोटेशन देंगे अभी जोन के अंदर। जोन के अंदर रोटेशन देने के बाद हमें कुछ अच्छी एग्रेसिव फाइट देखने को मिलेगी। मीनवाइल बात करें यू आर सेनपाई की तो अपने गाड़ी को इधर रिफ्यूल करने के बाद अपनी फाइट को इधर आगे बढ़ाएंगे। मीनवाइल इनके सामने काफ़ी सारी टीम्स जरूर है
बट आई डोंट थिंक सो कि अभी ये गोली चला के अपने पोजिशन को पोजिशन को उधर रिवील करना चाहेंगे कि नहीं 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 एक बार चले जाते हैं फिर से डैनियल और टीम नंबर 14 के प्लेस की तरफ वेयर दीस टू मेंबर्स आर दीस टू टीम्स आर एक्चुअली अगेन फाइटिंग बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग एनी आउटकम टीम नंबर 16 टीम नंबर 14 आई मीन टू से ये मतलब दिस सीन्स दैट दे आर फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ बिकॉज दे आर ट्राइंग टू किल दिस पर्टिकुलर गाय दैट इज सैंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बट डैनियल इज सर्वाइविंग समहाउ 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 and giving a lot of trouble to team number 4, team number 14, I mean. Team number 14 is actually being very impatient right now. So, that is something which Daniel actually did something very nice, if I just say. Daniel really, really, really OP in the chat here for Daniel too. Itne der tak is bande ne survive kiya and sath hi sath naak mein dam kar diya tha team number 14 ke pass liye. And naak mein itna dam kiya ki abhi team number 14 ne decide kar liya ki enough is enough. Enough is enough. और भैया हमसे इधर वेट नहीं होगा हम भाई इधर से जा रहे हैं इनमें अगर मैं बात करूँ तो टीम यूएनसी के प्लेयर्स की तरह एक फाइट होती हुई जहाँ पे इनको इधर पूरी तरह से मार दिया जा चुका है टीम नंबर 6 विल गेट दैट थिंग देखते हैं क्या होता है न्यू गाइस जो भी स्ट्रीम को देख रहे अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार थोड़ा सा लाइक छोटा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको मेरी कमेंट्री पसंद आ रही है तो यार डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम लिंक है मेरे को भी तो फॉलो कर लेना एंड शिपेंदु को भी यार उसकी भी जो इंस्टाग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में तो उनको भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना मीन अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 11 के प्लेस की अगर टीम नंबर 11 के प्लेस एंड टीम नंबर 5 के प्लेस काफी ज्यादा क्लोज है अच्छी फाइट इन टीम्स के बीच हुई जरूर थी लेकिन रिवाइव मिल चुका है टीम नंबर 11 टीम नंबर 19 सामने आमने सामने आमने आमने सामने देखते हैं बात करें टीम नंबर 19 के प्लेस की अगर ओके ये लोग थोड़ी पैसिवली आगे की तरफ मूव करेंगे आई मीन टू से थोड़ी स्ट्रैटेजिकली आगे की तरफ मूव करेंगे थोड़ा सा रोटेशन देके अपने सामने वाली टीम को उधर मारने की कोशिश है मैं अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 11 की टीम LM या फिर LNC मोस्ट प्रोबेबली आई एम नॉट श्योर या फिर IC आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर तो यार ये जो प्लेयर्स हैं ये लोग फिलहाल काफी पेशेंटली वेट कर रहे हैं इनको पता है कि इनके ठीक सामने कुछ प्लेयर्स हैं देखते हैं क्या करेंगे Daniel OP, like and subscribe. अरे thank you very much, bro. यानि कि इस बात करें टीम नंबर 5 के प्लेयर्स की काफ़ी पेशेंटली इधर होल्ड करते हुए बात करें टीम नंबर 6 के प्लेयर्स की अगर अपने आसपास जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं उनको पूरी तरह से डैमेज देने की भरपूर तरह से कोशिश चली था टीम नंबर 6 के प्लेयर्स की मेरा अगर मैं बात करूँ लूसी जूसी की अगर तो उन्होंने कहा एक प्लेयर इधर डाउन है एंड काफ़ी इस तरह से अपने सामने वाले प्लेयर को इधर मारने की भरपूर तरह से कोशिश कर रही है बट ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे काफ़ी सही तरह से इनको स्पॉट कर लिया जाएगा उधर पूरी तरह से फिनिश कर दिया जाएगा चलते हैं फटाफट से यहाँ पर टीम नंबर 19 के प्लेस की तरफ जहाँ पे काफी कंफर्टेबली इन्होंने भी कंपाउंड स्कोर करके रखा है एंड काफी प्यारी नीडिंग थी वो काफी प्यारी नीडिंग थी काफी सही डैमेज भी पड़ा उधर टीम नंबर 19 के प्लेस को एंड काफी प्यारी तरह से इनको डाउन भी कर दिया जाएगा टीम नंबर 18 के एक और प्लेयर को उधर स्पॉट कर लिया गया है बट ये फ्रॉस्ट खुद भी नॉक हो जाएंगे इस फाइट में एंड काफी गलत तरह से इनको उधर पूरी तरह से फिनिश कर दिया जाएगा टीम नंबर 19 अगर मैं बात करूं उस प्लेस से अगर किसी तरह से सर्वाइव कर रहे थे एंड किसी तरह से बचने में कामयाब रहेंगे दोनों के दोनों प्लेस नंबर 5 पता है इनको कि ओपोनेंट्स कहां पे हैं बट थोड़ी सी पैसिव गेम प्ले तो दिखाते हुए नंबर 19 की मीनवाइज अगर मैं बात करूं तो अपने प्लेयर्स का रिवेंज लेने की पूरी तरह से कोशिश रहेगी एंड ही विल श्योरली गोना डू हिज बेस्ट टू गेट दैट रिवेंज क्वाइट नाइसली लेट्स सी मीनवाइज लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सम अदर ओके बिफोर टॉकिंग अबाउट सम अदर टीम लेट्स Let's see Kenox. He's quite near to team number 18 and he might get those two kills quite easy. Let's see. A pretty good nade coming up from team number 18, but nothing yet. Flood boy and Yoko Bo. Dekhte hain ki ye kya karte hain. Kenox is in a very good position. Team number 19, they can actually aggressively push on that particular place. Let's see what will happen. Meanwhile, baat karun. So uske ki to kaafi pyari tarah se acha knock inhone zarur nikala. Team number 18 is not looking pretty good right now. Team number 19 have surrounded this particular team quite nicely, and the last guy surviving, Yoko Boy, is here. Team number 19 will gonna push on him aggressively. They have spotted this particular guy, and Kenox will gonna get that final kill, completing the revenge of his particular teammate and finishing off one of the teams. White Fantastic team number 6, they have one of the players knocked out, and the best thing for them is that they are inside the zone. Meanwhile, if I just talk about team number 14, they are in a very, very, very good position as well. पूरी 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 कोशिश रहेगी इनकी अपने ओपोनेंट्स को उधर डैमेज देने की लेकिन बस उनको उधर टीम नंबर 6 को डैमेज नहीं देना है उधर टीम नंबर 5 के प्लेयर्स भी है जो कि रेज का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करेंगे उधर उनको उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा तो देखते रहेंगे कि क्या होता है देखते रहेंगे कि इसका आउटकम क्या निकलेगा बात करें इधर टीम नंबर 19 उस प्लेयर्स को तो फटाफट उनको निकलना आना पड़ेगा जोन के अंदर
फिर उनकी फाइट चली गई, बात करके फाइव के प्लेस लेकर तो काफी प्यारी तरह से इधर इनको नॉक कर दिया गया है। मोस्ट प्रोबेबली टीम नंबर फाइव के कुछ प्लेयर्स इनको नॉक करा है। ओके नहीं, टीम नंबर फाइव के प्लेयर्स ने नहीं, एक्चुअली टीम नंबर टेन के कुछ प्लेयर्स ने इनको नॉक करा है। नंबर टेन के मोहन शाहिब ने काफी प्यारी तरह से एम टू फोर का इधर इस्तेमाल करते हुए, एंड क्या हमें एक बेहतरीन हेड शॉट इनकी तरफ से फिर से देखने को मिल सकता है, देखते हैं। ये कोशिश काफी अच्छी, एम काफी बेहतरीन, बट फिलहाल तक किसी ने भी पीक नहीं दिया। गाइस अभी इधर अलर्ट हो चुके हैं कि नहीं भैया नहीं, काफी अच्छी तरह से कोई अच्छा एम टू फोर चला रहा है उधर। एक और अच्छी कोशिश, एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी इधर मिली जरूर है इधर मोहम्मद शाहिद को, शाहिद बोलता है उनको, ये बेस्ट रहेगा। मैं बोला शाहिद की अगर मैं बात करूँ तो शाहिद को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जरूर थी, बट फिलहाल तक उसका ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। बात करते हैं एक बार टीम नंबर टीम टी आर के प्लेयर्स की, अगर तो टी आर के प्लेयर्स इनके पास भी एम टू फोर है एंड काफी प्यारी शॉट्स ये भी एम टू फोर का दिखा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ टीम सी टी की, इधर एक अच्छी फाइट में इधर एंगेज हो चुके हैं, दो दो प्लेयर्स इनके डाउन है अनफॉर्चुनेटली। टीम नंबर नाइन, टीम नंबर एट के जो प्लेयर्स हैं इनके काफी ज्यादा क्लोज है, एंड द फाइट इज एक्चुअली ऑन, बोथ ऑफ द मेंबर्स विल गोना गेट दैट रिवाइव क्वाइट नाइसली। मीनवाइल टीम नंबर 15 कैन एक्चुअली डू अ लिटिल बिट ऑफ डैमेज, कैन एक्चुअली गिव अ लॉट ऑफ डैमेज टीम नंबर 19, बट करेंटली ये उधर देख नहीं रहे हैं, अनफॉर्चुनेट रहेंगे टीम नंबर। ओके इन्होंने स्पॉट जरूर किया, बट स्पॉट करने में थोड़ा सा लेट जरूर होगा। टीम नंबर एट काफी अग्रेसिवली पुश करते हुए टीम नंबर 19 की प्लेस की तरफ से, एंड टीम नंबर एट काफी प्यारी तरह से इधर आते हुए टीम नंबर 19 की प्लेस की तरफ कुछ पीछे से टैप टैप शॉट करते हुए, एंड अनफॉर्चुनेटली इधर नॉक हो जाएंगे टीम नंबर 19 के मुक्के जी, सोका अकेले इधर प्लेयर्स बचे रहेंगे टीम नंबर एट। ओके काफी पैसिवली इधर मूव करेंगे आगे की तरफ, इतनी आसानी से एक ओपन प्लेस नहीं देने वाले। ओके की अगर मैं बात करूँ तो इनको पता है कि अपनी टीम के आखिरी प्लेस बाकी हैं, तो इतना आसान नहीं रहेगा इनके लिए एक अच्छा टच कर पाना, क्योंकि पीछे से भी गोलियां पड़ी हैं, आगे से भी गोलियां पड़ी हैं, नीचे से भी गोलियां पड़ी हैं, हर तरफ से गोलियां ही गोलियां पड़ी हैं। मीनवाइल आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको स्पॉट कर लिया गया है फ्रीक ने, एंड एक सही नीड अगर किसी तरह से ये टीम नंबर एट प्लेस कर पाए तो टीम नंबर 19 को इधर पूरी तरह से वो कर सकता है। लेकिन बात करें इधर फ्लेम की, तो फ्लेम बोला ले लेंगे टीम नंबर 19 के प्लेस की, एंड काफी प्यारी तरह से टीम नंबर एट विल गन वाइप आउट टीम नंबर 19। बात करते हैं एक बार टीम नंबर सिक्स एंड टीम नंबर फाइव के प्लेयर्स के, अगर दोनों प्लेयर्स काफी ज्यादा क्लोज है, काफी पहली तरह से इधर बोका इधर कल निकालते हुए टीम नंबर फाइव के, ज्यादा प्लेयर्स बचे नहीं है टीम नंबर फाइव के, बस दो ही प्लेयर्स बाकी हैं जो कि एक बेहतरीन फ्रीली नेट कर रहे हैं। टीम नंबर सिक्स की अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने स्पॉट कर लिया है मे बी टीम नंबर फाइव के प्लेयर्स को। जी हाँ, मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने स्पॉट कर लिया टीम नंबर सिक्स के प्लेयर्स, अभी एकदम एक साथ मिल के घुसेंगे इन पे, एंड फिर इनकी फाइट चलेगी। इनको ठीक पता तो है कि इनके सामने ही प्लेयर्स हैं, बट रिक्स नहीं लेना चाह रहे हैं टीम नंबर सिक्स के प्लेयर्स, इधर रिक्स बिल्कुल भी नहीं लेना चाह रहे हैं। काफ़ी प्यारी नीड धराता हुआ टीम नंबर सिक्स के प्लेयर्स की तरफ से, लास्ट प्लेयर बाकी है, वो भी काफ़ी लो एचपी में है बैट बॉय, इनके पास ग्रोजर जरूर है, बट क्या ही ग्रोजर से क्लच निकाल सकते हैं। जी नहीं, पूरी की पूरी टीम एक साथ घुसेगी एंड एक साथ पूरी तरह से उनको मार दिया जाएगा। तो माई चाहिए, अरे वेलकम टू द स्ट्रीम आफ्टर सो लॉन्ग ब्रो, हाउ आर यू। सुपेंदी को दिखाओ ब्रो, सुपेंदू अनफॉर्चुनेटली काफी पहले मर चुका है, अगर आपको उनको देखना है तो आपको स्ट्रीम में बैक जाना पड़ेगा, बैक जाके आपको उनको देखना पड़ेगा। मीनवाइल इधर बात करें टीम नंबर 13 के प्लेयर्स की, अगर उन्होंने अपने एक प्लेयर को जरूर खोया है, बट अभी इनके पास पाने के लिए बहुत कुछ है, इनके सामने काफी सारी टीम्स जहाँ पे एक अच्छी फाइट ले सकते हैं, तो देखना पड़ेगा क्या करेंगे। बात करते हैं टीम नंबर 16 के प्लेयर्स की, अगर तो इनके ठीक सामने ही कुछ प्लेयर्स हैं, एंड काफी पहली तरह से ये टीम जो है ये उनको मार भी रहा है। ओहो, रॉन्ग रूम, अरे बाप रे बाप, कितना रूम्स बन रहा है उनके लिए, पंदुशेष कितना टीम, कितना रूम बन रहा है उनके लिए आज, रॉन्ग रूम, आय हाय, नाइस। नहीं किस बात करें टीम नंबर 3 के प्लेयर्स की, अगर तो ओके इन्होंने अपने एक और प्लेयर को उधर खो दिया, एंड जी हाँ पूरी तरह से खो ही दिया है, नॉक हुए थे बट पूरी तरह से फिनिश हो गया। मीनवेल गाइस यार, जो भी चैट में करें कि हो हैप्पी बर्थडे शुपेंदु, फटाफट लिख दो यार, आरआईपी भी लिख सकते हो बट हैप्पी बर्थडे ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा यार, नहीं आरआईपी लिख दो यार, आरआईपी शुपेंदु ज्यादा बढ़िया रहेगा, फटाफट गाइस एक बार फर्स्ट ब्लड, यस ब्रो प्लस फर्स्ट ब्लड ही वही हो गया। काफी प्यारी फाइट होती हुई, काफी प्यारी नीड होती हुई टीम नंबर 13 बहुत ही ज्यादा टाइट हालत में इधर। बात करें टीम नंबर 3 के प्लेस की, अगर तो इधर रेकलेस भी इधर फंसे पड़े ऐसा लग रहा है, जहां पे टीम नंबर 16 उनके ठीक पास में टीम नंबर 13 एंड पीछे की तरफ, तो फाइट की मैं क्या ही बात करूं।
हर तरफ टीम नंबर 10 के प्लेयर्स को यहाँ पे गोलियां चला रहे हैं, प्लेयर्स को उधर नॉक पे नॉक किए जा रहे हैं, प्लेयर्स उधर मरे पे मरे जा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ काफी अग्रेसिव निकल चुकी फाइट होती है, एक प्लेयर जो कि उनके सामने उनके साथ उनकी फाइट होती हुई, लेकिन अपनी टीम से काफी दूर, वो काफी अपनी टीम से काफी दूर, अनफॉर्चुनेटली अपने दोनों टीम मेट्स को उधर बचा नहीं पाएंगे एंड उनके दोनों टीम मेट्स उधर ब्लीड आउट मोस्ट प्रोबेबली होने वाले हैं। बात करें टीम नंबर 8 के प्लेयर्स की अगर, तो उनके भी दो प्लेयर्स इधर जोन के बाहर मरेंगे एंड फ्लेम एंड फ्रीक, ओके फ्रीक घुस चुके हैं जोन के अंदर, फ्लेम को जोन के अंदर अभी भी घुसना है एंड मोस्ट प्रोबेबली घुस भी जाएंगे। बात करें टीम नंबर 10 के प्लेयर्स की अगर, तो टीम नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ तो ओके कंफर्टेबली फिलहाल तक होल्ड करेंगे स्मोक का एंड अपने एक टूटे फूटे गाड़ी अपने ओके अपने गाड़ी का इनके पास एक कवर जरूर रहेगा, बट ठीक है देखते हैं अपने गाड़ी के कवर को उधर बना सकते हैं, देखना पड़ेगा। बात करें इधर बोका की अगर, तो बहुत ही ज्यादा लो किया है इन्होंने अपने ओपोनेंट को, साथ ही साथ खुद भी काफी ज्यादा लो है, अनफॉर्चुनेटली लो हेल्थ के कारण इनको नॉक कर दिया जाएगा। टीम नंबर 10 एक सही नहीं रहेगा, किसी तरह से टीम नंबर 10 के टक्कर कर जाते हैं तो टीम नंबर 6 के प्लेयर्स को पूरी तरह से वाइप कर सकते हैं। टीम नंबर 6 दूर से काफी अच्छा स्प्रे देते हुए टीम नंबर 10 काफी मुश्किलों में पड़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। अभी अच्छा नहीं रहता टीम नंबर 6 के प्लेयर्स की तरफ से भी, बट ज्यादा फायदा उसका फिलहाल तक नहीं हो पाएगा। बात करें रेकलेस की, रेकलेस भी काफी पेशेंटली इधर वेट करे जहाँ पे इनको पता है कि ठीक सामने बहुत बेहतरीन टीम है जो उनको पूरी तरह से कभी भी मार सकती है। बात करें टीम नंबर 14 के प्लेस की, टीम नंबर 14 काफी प्यारी तरह से ऑलमोस्ट एक नॉक निकाल ही दिया था, काफी डिसेंट स्प्रे, बट किसी तरह से टीम उनके पैर तक बचेंगे। रेकलेस इसी तरह से अभी भी बचे हुए, स्मोक फाइनली उन्होंने कर दिया ताकि थोड़ा सा स्मोक का कवर उनको उधर मिले एंड स्मोक्स का काफी बेहतरीन इधर इस्तेमाल होता हुआ, काफी बेहतरीन इधर इस्तेमाल होता है। टीम नंबर 14 इनको पता है कि अब इनको थोड़ा सा फॉरवर्ड पुश करना पड़ेगा बिकॉज टोन काफी बीच की तरफ बना। टीम नंबर 10 थोड़ी आस्ते आस्ते थोड़ा सा आगे की तरफ उधर पुश करते हुए टीम नंबर 14 के चारों प्लेयर्स जिंदा है, जो कि यार इनको काफी ज्यादा बढ़िया एडवांटेज पॉइंट देगा। शुपेंदु नहीं भाई, शुपांदी, ओके सॉरी, अरे यार शुपेंदु एक्चुअली बंगाली नाम होता है तो कभी कभी वो निकल जाता है, शुपांदी, ओके ओके इन कार्टून कैरेक्टर भाई, ओके 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 शुपांदी बंगाली होना हम तो हमारे मुंह से कभी कभी शुभंदु निकल जाता है कभी कभी। यानी केश नंबर 10 के मिडिल अगर मैं बात करूँ तो ओके आपके प्लेस को फटाफट फटाफट रिवाइव देंगे फिर अपने फाइट को उधर आगे बढ़ाएंगे। बात करें टीम नंबर 14 के प्लेस की अगर, तो एक बगी का काफी अच्छा कवर ही बना सकते हैं एंड बगी के इस कवर को कंटिन्यू करेंगे एंड अपने फाइट को उधर आगे बढ़ाएंगे। टीम नंबर 10 अच्छी तरह से होल्ड करते हुए टीम नंबर 6 के लास्ट प्लेयर ब्रोकन ओपी बाकी हैं टीम, ओके बाकी सारे टीम्स इधर मर चुके हैं, बस तीन ही प्लेयर्स बाकी हैं। ब्रोकन किसी तरह से स्मोक्स के साथ अपने कवर को उधर मेंटेन करते हुए, देखते हैं क्या होगा। बात करें टीम नंबर 10 के प्लेयर्स की अगर, तो ओके इन्होंने अपने प्लेयर को उधर खो दिया, काफी बेहतरीन नेट आता होगा टीम नंबर 14 के प्लेयर्स की तरफ से, अभी भी नेट स्पैम किया जा रहा है कंटिन्यूसली टीम नंबर 14 के प्लेयर्स की तरफ से, वेरी नाइस काफी अच्छी तरह से बेहतरीन स्प्रे एंड किसी तरह से अभी भी बच रहे हैं, स्प्रे से टीम नंबर 10 ओके कंफर्टेबली मूविंग है। तुनीचा एक्टिवेट स्लॉट थ्री तो नहीं है ब्रो। टीम नंबर 6 के जो हमारे लास्ट आखिरी पे बचे थे उनको भी फिनिश कर दिया जाएगा एंड वो हैश टैग नंबर 3 में बचे रहेंगे। काफी अच्छी तरह से एल ड्रैगन ने एक प्लेयर को स्पॉट किया एंड उनको उधर पूरी तरह से फिनिश करने की कोशिश जरूर थी बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाएगा। लास्ट फाइट 3v4 का इधर है, टीम नंबर 14 के पास काफी ज्यादा एरिया है जहाँ पे वो होल्ड कर सकते हैं एंड प्लेयर्स काफी प्यारी तरह से रैंडम फाइट्स रैंडम गोलियां चलाए जा रहे हैं। टीम नंबर 14 के प्लेयर को डाउन कर दिया गया, टीम नंबर 10 के प्लेयर को भी डाउन कर दिया गया। ओके 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 उधर काफी लो हेल्थ में अकेले ही इधर इतना थोड़ी इधर पुश करने के लास्ट में थे बट अनफॉर्चुनेटली वो भी नॉक हो जाएंगे। सुशीरो यूजी, ओके यूजी फटाफट थोड़े से एग्रेसिवली आगे की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे एंड M249 है इनके पास। M249 यार ऐसे पोजिशन में काफी बढ़िया जलवा, काफी औसम जलवा दिखा सकते हैं, देखते हैं क्या होगा। सुशीरो मोस्ट प्रोबेबली पीछे से अच्छा होल्ड अप दे सकते हैं। बात करें ड्रैगन की तो काफी प्यारी तरह से वो स्पॉट करेंगे उधर यूजी को एंड यूजी को उधर पूरी तरह से कर दिया जाएगा। जी हाँ, जिसका मतलब है कि हमारे सुशीरो इधर आके के बचे रहेंगे, सुशीरो को इधर कुछ ना कुछ टैक्टिक दिखाना पड़ेगा अगर इतने किसी भी तरह से 1v3 करना है तो। एल ड्रैगन को अभी पता चल गया कि लास्ट प्लेयर जो है वो कहाँ पे, काफी अग्रेसिवली पुश करेंगे आगे की तरफ एंड काफी जो है वो एंड काफी प्यारी तरह से वो एक लॉक जरूर निकालेंगे बट अच्छा कवर पर आता हो टीम नंबर 10 की तरफ से एंड काफी बेहतर इन तरह से टीम HR या फिर टीम नंबर 10 निकाल जाएगी ये चिकन डिनर। काफी ऑसम गेम टीम नंबर 14 दैट इज टीम EFT विल गोना गेट दैट सेकंड चिकन डिनर आई एम टू से दैट सेकंड पोजीशन ऑसमली नाइसली फैंटास्टिकली। तो गाइस बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले आता हुआ द टीम की तरफ से, बहुत ही ओपी गेम प्ले दिखाया सभी ने एंड जिसने सुपांदी को मारा उसकी तो हम क्या ही बात करें। उनका रिएक्शन बहुत ही ऑसम था, मतलब ऑल माइक ऑन करके उन्होंने
उनको मारा था यार, उनका रिएक्शन काफी ऑसम था, सीन पे वो रिकॉर्ड भी हुआ है, काफी काफी बढ़िया। इन एनी केस फटाफट फटाफट देख लेते कि किसने कितनी किल्स की है। तो बात करें एल ड्रैगन और उनकी पूरी टीम की, तो उनके पास है टोटल 6 किल्स। बात करें टीम ईएफटी की टीम्स की किल्स की, तो उनके पास है टोटल 5 किल्स। टीम फर्स्ट विल बी हैविंग टोटल नंबर ऑफ 7 किल्स, फैंटास्टिक। टीम एसयू मोस्ट प्रोबेबली विद 5 किल्स। टीम मिया या फिर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस टीम, 5th पोजीशन विद 5 किल्स। टीम डीपीएस विद 7 किल्स। टीम एक्वा विद 1 किल। टीम टी एफ ए विद 2 किल्स। टीम किन जेड एक्स विद 3 किल्स। टीम सी टी विद 4 किल्स। टीम आई एम विद 0 किल्स अनफॉर्चुनेटली। टीम एल एक्स सी मोस्ट प्रोबेबली विद टोटल नंबर, या फिर 1 एक्स सी मोस्ट प्रोबेबली विद 0 किल्स। टीम एफ एल सी डैनियल विद 0 किल्स। टीम एच पी पी विद 3 किल्स। टीम ब्लैक विद 7 किल्स। पोजीशन में टीम चौको चौको होल टीम विद 2 किल्स। एस पी जेन सिंगापो विद टोटल नंबर ऑफ 0 किल्स अनफॉर्चुनेटली। टीम ब्लैक्स गर्ल्स लाइनअप विद 2 किल्स। टीम 4 एम डी विद 1 किल। एंड सुपेंदी द फर्स्ट गाय हु गॉट किल्ड ही विल बी हैविंग 1 किल। तो यार काफी 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 बेहतरीन स्ट्रीम गया, काफी मजा आया, प्लेस में काफी अच्छी तरह से दिखाया। एंड गाइज यार फिर से आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि यार हैप्पी बर्थडे लिख दीजिए उनके इंस्टाग्राम आईडी में जाकर। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है सुपेंदी जी की, सुपेंदी जी की। तो यार फटाफट फटाफट जाइए, हैप्पी बर्थडे उनको जरूर लिख दीजिए। टिल देन गाइज होपफुली आपसे हम फिर से बाद में मुलाकात करेंगे। टिल देन बाय बाय गाइज, सी यू, सेमी गुड नाइट, सेमी गुड नाइट, सेमी गुड नाइट। Whoa.